नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जब भी कभी आप अपने घर में टाइल्स लगा रहे हैं तो उस समय मन में एक सवाल जरूर आएगा कि भाई हम जो मसाला बनाएंगे सीमेंट और बालू का मोटर बनाएंगे तो उसका रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में बनाया जाए, और साथ ही जो है आपका टाइल के नीचे जो हम लोग मोटर डालेंगे सीमेंट का मोटर उसका जो है कितना थिकनेस होगा। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको सारा चीज़ ए टू जेड बताएंगे, जिससे क्या है कि आप क्लियर हो जाएंगे कि भाई हमें किस हिसाब से काम करना, कहीं आपका मिस्त्री ज़्यादा तो मोटर नहीं डाल दे रहा, कहीं आपका मिस्त्री ज़्यादा तो सीमेंट नहीं मिला दे रहा। चलते हैं देखते हैं कि भाई क्या क्या है। और टाइल जब भी आप अपने घर में लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं रेशियो को लेकर के। तो भाई रेशियो क्या रहेगा, रेशियो में आपका क्या क्या आता है। रेशियो में आपका आता है सीमेंट और सैंड का रेशियो, सीमेंट एंड सैंड, इसका जो रेशियो आपका रहेगा अगर आप टाइल लगाते हैं, टाइल्स अगर आप लगाते हैं तो इसमें इसका रेशियो होगा 1:5 से 1:9 तक रहेगा। मतलब क्या हो गया, एक बोरा अगर आप मतलब एक पार्ट अगर आप सीमेंट मिलाते हैं तो 5 पार्ट आपको बालू मिलाना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट दोनों का डेंसिटी लगभग सही आसपास ही रहता है। तो इसको जो एक बोरा अगर आप सीमेंट मिला रहे हैं तो 5 बोरा आप जो है ज़रूर ज़रूर जो है बालू मिलाइए, मतलब एक गमला अगर आप सीमेंट दे रहे हैं तो 5 गमला तगारी जो होता है उससे बालू दीजिएगा। अब ये तो हो गया टाइल्स का, ठीक है, 1:6 में इसका रेशियो हो गया। अब इसमें बात करते हैं थिकनेस को लेकर के, कोई कितना मिनिमम थिकनेस दिया जाए टाइल लगाने में। जनरली देखिए आपका जब भी कभी आप बात बेडरूम हो हॉल हो ये सब में टाइल लगाएंगे तो इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं डेड स्लोप देते हैं, मतलब पूरा एकदम स्लोप बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरा 0-0 रहेगा। लेकिन जब भी कभी हम लोग जो है बालकोनी हो बाथरूम हो किचन हो यहाँ पे हम लोग डेड स्लोप नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोग स्लोप देते हैं। क्यों, क्योंकि किचन में पानी का आता है तो चला जाए, बाथरूम में पानी का इनलेट आता है तो उसमें जो है एक ड्रेन होकर के चला जाए, इसलिए जो है टाइल में हम लोग को स्लोप देना पड़ता है कि पानी बह जाए। अब यहाँ पे थिकनेस की बात करें टाइल्स की तो ये थिकनेस आपका जो रहता है मिनिमम आपका 1 इंची से 3 इंची तक जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल मत लीजिएगा जब भी कभी आप टाइल लगाते हैं, 1 इंची से 3 इंची तक आपको लेकर जाएगा सीमेंट मोटर का। अब इसी जगह पे आप अगर मार्बल लगाते हैं इसका रेशियो जो रहेगा ये रहेगा आपका 1:6 और थिकनेस जो रहेगा 3 इंची प्लस रहेगा, 3 इंची से नीचे मार्बल का आपका रहेगा नहीं, क्योंकि टाइल का जो है थिकनेस लगभग आपका अलग अलग आता है। ये आपका 10 mm भी आता है इसका टाइल का थिकनेस, 10 mm 12 mm, तो इसका मोटर का थिकनेस 1 इंची से 3 इंची टाइल का और मार्बल का 3 इंची रहेगा, इससे कम में आप नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपका टाइल का फ्लोरिंग का। और अगर हम यहाँ पे वाल की बात करें, वाल में अगर लगाना हो तो वाल में आप जो है 1/2 इंची थिकनेस का उसमें चटनी बनाना पड़ता है, आम भाषा में चटनी बोलते हैं, मतलब सीमेंट का पूरा जो है गाढ़ा करके जो है बनाया जाता है, उसको उसमें चिपका करके लगाया जाता है, 1/2 इंची इसका थिक रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया आपका वाल को लेकर के। तो फ्लोरिंग
तो यहाँ पे आपने दो दो चीज़ क्लियर हुआ आपका, सीमेंट मोटर का थिकनेस कितना देना है, 3 इंच से ज़्यादा नहीं देना। अगर टाइल लगाते हैं और मार्बल लगाते हैं तो 3 से 4 इंच के बीच आपका रह सकता है, क्योंकि मार्बल का थिकनेस भी ज़्यादा होता है। तो ये और रेशियो 1:5 और एक एवरेज ले चल सकते हैं 1:6 में आप जो है मोटर बना सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। और ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, पूरा एकदम ड्राई टाइप का रखना है, जिससे कि एग्जीक्यूशन करने में आपको आसान हो। ज़्यादा पानी देंगे मोटर में तो आपको जैसे टाइल लगाएंगे थप जो है पूरा जो है बैठ जाएगा। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट चीज़। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल वाक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बचे तक जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।